नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, हुंडई अल्काज़ार को ऑफिशियली कल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है, या कहूँ क्रेटा 6 और 7 सीटर को ऑफिशियली कल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। तो लॉन्च की वीडियो दोस्तों आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुके होंगे, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन मैंने भी दोस्तों कल वीडियो शूट की है और 3 घंटे अप्रॉक्स गाड़ी के साथ बिताए हैं अल्काज़ार के साथ में, और इन 3 घंटों में मैंने बहुत सारी चीज़ें उस गाड़ी के बारे में ऑब्जर्व की हैं जो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। और दूसरा जो दोस्तों प्लस पॉइंट है मेरे लिए क्या है कि मेरी फैमिली में टाटा हेक्सा पहले हुआ करती थी, मैंने बहुत सारा ट्रेवल उस गाड़ी में बैठ के थर्ड रो में बैठ के किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से वो जो थर्ड रो सीट का दर्द होता है, या स्पेस अगर 1 इंच और मिल जाए तो वो जो 1 इंच होती है उसकी कीमत जो होती है वो आपको मैं बता पाऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके कोई भी ओपिनियंस हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की कि क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको दिए गए हैं। वैसे दोस्तों इसके अंदर नेगेटिव्स भी काफ़ी मुझे लगे, लेकिन वो मैं आपसे फीचर्स या इसकी अच्छाइयाँ बताने के बाद डिस्कस करूँगा। जैसा कि एक 7 सीटर है तो सबसे पहले थर्ड रो से स्टार्ट करते हैं। थर्ड रो सीट पर रूफ के ऊपर आपको 2 लाइट्स मिल जाएंगी, AC फैन स्पीड कंट्रोलर मिल जाएगा आपको, एक USB पोर्ट आपको मिल जाएगा, और जो थर्ड रो की दोनों सीटें हैं उन पर आपको अपनी तरफ 2 कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे। बूट की बात करें तो बूट के अंदर इसमें लाइट दी गई है, और जो बूट स्पेस है गाड़ी का वो 180 लीटर्स का है। सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, इसके राइवल की बात करूं सफारी की, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। लेकिन बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं जो कि हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अगर इंजन्स की बात की जाए तो दोस्तों पेट्रोल और डीजल दोनों ही आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। डीजल इंजन वही सेम है जो क्रेटा के अंदर आता है, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर और जनरेट करता है 114 BHP और 250 Nm का पीक टॉर्क। मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशंस में ये गाड़ी आपको डीजल के अंदर मिल जाएगी। पेट्रोल की बात की जाए तो दोस्तों पेट्रोल में हुंडई ने एक नया इंजन इंट्रोड्यूस किया है, 2 लीटर 4 सिलेंडर जो जनरेट करता है 157 BHP और 191 Nm का पीक टॉर्क। ये भी आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की जो कि इस गाड़ी के साथ आपको स्टैंडर्ड दिए जाएंगे। ABS ड्यूअल एयरबैग, EBD इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, सीट बेल्ट प्री टेंशनर और लोड लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक। साथ ही मिड वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फीचर्स की जो कि हुंडई ने इसके अंदर भर भर के डाले हैं। आपको बहुत सारे फीचर्स इस गाड़ी के साथ मिलने वाले हैं, जैसे कि LED फॉग लैंप्स, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर कैमरा, यानी कि आप एक बटन दबा के अपनी गाड़ी के पीछे जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आप देख सकते हैं, आपको रियर गियर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, पेडल लैंप्स, ट्विन टिप एग्जॉस्ट। वैसे ये एग्जॉस्ट वाला कोई फीचर मुझे नहीं लगता, बट रियर प्रोफाइल को थोड़ा सा अच्छा ज़रूर बना देता है। साइड फुट स्टेप ओनली आपको 6 सीटर वेरिएंट के साथ मिलेंगे, अगर आप 7 सीटर वेरिएंट लेते हैं तो उसके अंदर आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको 10.25 इंचेस की एक स्क्रीन दी गई है, 64 कलर्स की एम्बियंट लाइटिंग इसके अंदर आपको मिल जाएगी, आप अपनी पसंद के अनुसार सेट कर सकते हैं। फ्रंट सीटें आपको दोस्तों वेंटिलेटेड मिलने वाली हैं, स्लाइडिंग सन वाइजर इसके साथ आपको मिलेगा, पेडल शिफ्टर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, वायरलेस चार्जर आपको मिलेगा, और अगर आप 6 सीटर वेरिएंट लेते हैं तो आपको सेकंड रो सीट्स पे भी एक आर्म रेस्ट मिल जाएगा, एक USB पोर्ट मिल जाएगा और आपको एक वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों ड्राइवर साइड जो सीट होती है, ड्राइवर सीट जो होती है वो आपको 8-way इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट मिलेगी, जो कि मुझे लगता है सफारी के अंदर तो नहीं मिलती, MG हेक्टर का मुझे पता नहीं है। सेकेंड रो सीट्स पे आपको कर्टन्स मिल जाएंगे। इसी के साथ ही जो कैबिन है, जो इंटीरियर है वो आपको काफ़ी प्रीमियम मिलने वाला है, ड्यूल टोन में पूरा इंटीरियर दिया गया है। वैसे तो अगर लेदराइट टच की बात करूं तो कहीं पे फील नहीं होता, ना डैशबोर्ड पे ना दरवाजों पे, लेकिन एक वैसा ही लुक ज़रूर देने की कोशिश की गई है। सॉफ्ट टच मटेरियल जो भी आपको ये दिख रहा है
इसके ऊपर दिया गया है, और जो दूसरा जो कलर है वो प्लास्टिक ही है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट अगर मैं प्राइस के अकॉर्डिंग बात करूँ तो उतना ज़्यादा अच्छा मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस 21 लाख या 20 लाख के बजट में अगर थोड़ा सा लेदर टच अगर कहीं पर मिल जाता तो वो और ज़्यादा बेहतर लगता। अगर दोस्तों बात की जाए इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन आपको इसके अंदर मिल जाएगा, स्मार्ट एयर प्यूरीफायर आपको इसके अंदर मिल जाएगा, बॉस का 80 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम का जो सेटअप है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि आपको सफारी वाला मजा तो नहीं देगा, बट हाँ बहुत अच्छा नहीं है, बट ओके है। वारंटी की बात की जाए तो दोस्तों हुंडई आपको इसके अंदर तीन ऑप्शंस देती है, पहला 3 साल या 1 लाख किलोमीटर, दूसरा 4 साल या 50,000 किलोमीटर, और तीसरा 5 साल या 40,000 किलोमीटर। आप अपनी सहूलियत के अनुसार चूज कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात की जाए तो दोस्तों नोएडा के प्राइसेस, एक्स शोरूम प्राइसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डीजल में ये 16,53,000 से लेके 20,14,15,000 तक जाती है, और पेट्रोल में 16,30,000 से लेके 19,99,000 तक जाती है। तो आप कोई भी वेरियंट अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ उन चीज़ों की जो मुझे पर्सनली बेहद पसंद आई। उनमें से एक है दोस्तों अलॉय व्हील, इस नई अल्काज़ार का 18 इंच का अलॉय व्हील डायमंड कट इसके अंदर आपको मिलता है, जो कि बड़ा शानदार लुक गाड़ी को देता है। इसके ऊपर टायर साइज आपको मिलेगा दोस्तों 215/55 R18 अपोलो का टायर इसके अंदर आपको दिया गया है। दूसरा जो है दोस्तों सनरूफ, क्योंकि मेरी गाड़ी में सनरूफ नहीं है, तो मेरे लिए तो सनरूफ दोस्तों एक बहुत अट्रैक्टिव फीचर है, लेकिन अगर हम इंडियन रोड कंडीशंस की बात करें तो वहाँ पे दोस्तों जो सनरूफ है कई स्टेट्स में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि आप सनरूफ खोल के बाहर नहीं निकल सकते, और कहीं ना कहीं ये जो सनरूफ है गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी पे भी फ़र्क डालता है। इसकी वजह से गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, दिक्कत यानी कि जो क्वालिटी है, क्योंकि दोस्तों मेटल सीट की बराबर स्ट्रेंथ तो ग्लास की होती नहीं है, ये जल्दी टूट जाता है अगर आपकी गाड़ी रोल होती है तो। थर्ड फीचर दोस्तों जो है वो है इसकी ये डिस्प्ले, जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको मिलती है 10.25 इंचेस की, ये भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी ब्राइट है, आप धूप में देख सकते हैं। दूसरा तीसरा जो है दोस्तों ये टिप, एक बार आप एग्जॉस्ट की साउंड सुन लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बताता हूँ। फोर्थ आइटम है दोस्तों ये जो क्रोम जैसा दिखता है, लेकिन ये ब्लैक क्रोम है, चारों डोर हैंडल्स के ऊपर आपको दिया गया है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेगेटिव्स की। जो क्रेटा आती है दोस्तों सेम हेडलाइट इसके अंदर है, जो क्रेटा में आती हैं, क्रेटा की हेडलाइट्स काफ़ी बदनाम है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स, यानी कि मतलब पूछो मत, हद हो चुकी है कि क्रेटा की हेडलाइट जो है टॉप मॉडल इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है जितना कि और गाड़ियों के हैं, उसके बावजूद भी सेम हेडलाइट्स इसके अंदर भी चिपका दिए गए, ये नहीं कोई इम्प्रूवमेंट कर लें। रियर लुक की बात करूं तो रियर लुक बिल्कुल भी अपीलिंग मुझे तो नहीं लगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपको अच्छा लगा हो, ना ही मेरे को रियर टेल लाइट इतनी अच्छी लगी, बड़ा सिंपल सोबर सा लुक है, और मतलब गाड़ी को खा जाता है पीछे से। अब बात करें दोस्तों थर्ड रो सीट की, तो आप वन टच फोल्ड कर सकते हैं एक बार इस बटन को प्रेस करके लीवर को, और पीछे जाना आपके लिए आसान नहीं होगा अगर आपकी हाइट 5.5 या 5.6 भी है तो। मेरी हाइट 5.6 है और आपका वेट अगर 70-74 केजी है तो, क्योंकि मेरा अप्रॉक्स 68 या 70 के करीब होगा, मैं दोस्तों लगभग यहाँ पे 5 मिनट मैंने बैठ के फील किया चीज़ों को, मेरे को बड़ी तकलीफ आई। मतलब अगर आपकी जो ये सेकेंड रो की सीट है ये प्रॉपर पीछे की तरफ है ना, तो आप एक 10 से 12 साल के बच्चे को खाना खिला के डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बिठा सकते। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मेरे को हेक्सा में वॉमिटिंग हो गई थी, वो ऐसे ही हुई थी, मैं हम लोग एक शादी में से आ रहे थे, सारे बड़े भाई थे, मैं सबसे छोटा था, तो मेरे को पीछे बिठा दिया गया, तो पहले मेरे पड़ोस में जो भाई बैठा था उसे वॉमिट हुई और उसके बाद मेरे को उल्टी हो गई। आप देख लीजिए यार, अगर प्रॉपर सीट पीछे हो जाए ना तो घुटने तो क्या आपको हो सकता है आलपालती मार के बैठना पड़े इसके ऊपर, और जो ये चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं इन डायमेंशंस की वजह से। गाड़ी का व्हील बेस तो इन्होंने 2760 mm कर दिया, लेकिन हाइट 4500 mm है, विड्थ 1790 mm है, और हाइट 1675 mm है, यानी कि जो इसके राइवल्स हैं सफारी अगर मैं कंपेयर करके चलूं तो उससे हाइट भी कम है, विड्थ भी कम है, और लेंथ भी कम है, उसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
और थर्ड जो है वो ग्लास एरिया, आप देखिए ग्लास एरिया भी काफी कम है। एसी बेसिक से आपने ब्लोर दे दिया पीछे, लेकिन यार ग्लास एरिया भी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर बच्चे बैठते भी हैं उन्हें दिखाई नहीं देता तो चांसेस हैं कि उनकी तबीयत खराब हो जाए या उन्हें उल्टी हो जाए या उन्हें सफोकेशन महसूस हो। तो दोस्तों इस वीडियो में यही था, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और मैं बहुत जल्दी एक कंपैरिजन वीडियो सफारी के साथ इसका लेके आऊँगा, बहुत डिटेल में लेके आऊँगा, एक एक छोटी छोटी चीज़ बहुत मतलब उसके ऊपर प्रिपरेशंस करने के बाद वो वीडियो में लेके आऊँगा, जिससे कि माइनर माइनर चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपको पता लग सकें। तो अंततः थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, सेफ्टी को प्रायोरिटी दीजिए, जब भी आप गाड़ी नई खरीदते हैं तो चेक करिए कि उसे एशियन एनकैप या फिर ग्लोबल एनकैप में कितने स्टार रेटिंग्स मिली हैं, तभी आप गाड़ी को खरीदिए। बाकी जय हिंद जय भारत।